हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों, अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम को आप जब ओपन करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा एरर फेस करने के लिए मिलता है। दोस्तों ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, दिस प्रोग्राम कांट ओपन बिकॉज msvcp140.dll मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। ऐसा कुछ लिखा हुआ आने के बाद दोस्तों कोई भी प्रोग्राम को आप यहाँ पे ओपन कर नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो पर दोस्तों ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी डिटेल पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा स्क्रीन पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, दी प्रोग्राम कान स्टार्ट बिकॉज msvcp.dll इज मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। ऐसा कुछ लिखा हुआ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर पाता हूँ। चाहे यहाँ पे गेम आप खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभार यहाँ पे गेम को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिस पीसी पर चले आना है। देन आपको यहाँ पे सी ड्राइव पर चले आके विंडो का एक फोल्डर मिलेगा दोस्तों, इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सिस्टम 32 का एक फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको फाइंड करना है दोस्तों msvcp140.dll आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पर चले आना है। कई बार यहाँ पे मिसिंग भी होता है अपना कंप्यूटर पर, तभी तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है dll files। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ dll files। देन यहाँ पे आपको एंटर करना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब पहले ही आपको यहाँ पे जो साइट का लिंक मिल जाएगा इसमें क्लिक करके यहाँ पे सर्च बार पर टाइप करना है msvcp140। तो यहाँ पे करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। चलिए एंटर प्रेस करने के बाद कई सारे आपको यहाँ पे dll मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला मुझे चाहिए msvcp140.dll, इसमें क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मैं देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे वर्सन वाइज देखने के लिए मिलेगा और आर्किटेक दोस्तों यहाँ पे आर्किटेक यहाँ पे 64 बिट और यहाँ पे 32 बिट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको यहाँ पे कैसे आपका पता करना है कौन सा बिट है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे अबाउट योर पीसी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिला सिस्टम टाइप, यहाँ पे 64 बिट मेरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी बिट है दोस्तों आपको इसमें क्लिक करके डाउनलोड पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे एक जीप फाइल आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक जीप फाइल यहाँ पे मेरा कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया है। तो इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डबल क्लिक करना है जीप फाइल पर और जो भी जो msvcp.dll को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चलिए बैक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे बैक करने के बाद दिस पीसी पर चले आके यहाँ पे मैं सी ड्राइव पर चले आता हूँ। सी ड्राइव पर चले आके विंडो पर चले आता हूँ। देन यहाँ पे सिस्टम 32 बिट आपको यहाँ पे फाइंड करके उसको ओपन करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, मेरा पहले से ही है msvcp पहले से ही इंस्टॉल है। अगर आपके में मिसिंग हुआ है तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों msvcp को डाउनलोड करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे और एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पर चले आना है। देन आपको यहाँ पे बैक करना है, जो भी फाइल को आप यहाँ पे ओपन किए थे उसको बैक करना है। बैक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है। देन आपको माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, पेज मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका बिट है दोस्तों उसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका 32 है बिट है तो आपको 64 भी चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 86 बिट का कर लेता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको यहाँ पे exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसको अभी मैं देखने के लिए मिलेगा, ये डाउनलोड हो रहा है अभी, डाउनलोड उसको होने दो। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं शो फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको यहाँ पे क्लिक करके एक आपको यस एंड नो का एक ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका इसमें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा एक्सेप्ट करना है। देन आपको यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों आपके प्रॉब्लम होगा यहाँ पे ये इसके रिलेटेड तो आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी। ऑलराइट दोस्तों, आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में आपको मैं बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और भी ऐसे असम वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।